इसका काम जो है सेंटर हाउस में मौजूद है, फैमिली को मैंने ऊपर बिठा दिया, मैंने कहा कि हम सेंटर का वेट करेंगे और हम जो है हम सेंटर बनते हुए देखेंगे ये सेंटर कैसे बन रहा है। और ये जो मेरी तस्वीर में शाम है जो हर कलर कोई कैसे होगी और यहाँ जो है बस सेंटर बनते जा रहे हैं और लोग खाते जा रहे हैं। खूब इंजॉय कर रहे हैं। आपको यहाँ ह्यूज किचन में इनको दिखा रही हूँ जो आपको स्ट्रीट पर मिल जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी ह्यूज क्वान्टिटी में फूड होता है। एंड आप मुझे मैं भी आपको प्लेटर दिखाती हूँ। एक शॉट करीब से दीजिए, एक शॉट करीब से दीजिए, एक शॉट आ गया जा आ गया। थैंक यू सो मच। भाई मुझे खुद डर लग रहा है लेकिन मैं ये मौत का खेल खेल रही हूँ। क्या किस तरह से देखिए शेफ सारी बिजी हैं एंड सब अपने अपने कामों में लगे हैं। सबको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। सैटरडे नाइट बहुत ही इनका हाउसफुल सीन होता है एंड इतना आउटस्टैंडिंग रहता है ना, इस वक्त इनको सर गुजारने का टाइम नहीं है तो यहाँ पहुँचा नहीं गया। तो बहुत ही ह्यूज किचन है इनका एंड स्ट्रीट पे इतना बड़ा किचन आप पहली दफा देख रहे होंगे। बाकी किसी का स्ट्रीट पे इतना बड़ा किचन नहीं देखेंगे आप। स्लैटर हाउस वो वाहिद स्लैटर हाउस है जहाँ पे स्ट्रीट पे इतना बड़ा किचन है इनका। ओके प्लीज हम यहाँ पर स्लैटर हाउस में ऊपर वाली मंजिल पे बैठ चुके हैं। तख्त हमारी नशस्त है और यहाँ पर पूरी जो है एक गहमा गहमी वाली सड़क चल रही है जो कि बंस रोड है एंड बंस रोड बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट है, सबसे ज़्यादा पुरानी फूड स्ट्रीट हम इसको कह सकते हैं। जब पूरे कराची में पहली फूड स्ट्रीट थी होती थी तो बंस रोड को अपनी चप्पल उठाई तुम लोग भाई ये वाली बस नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा आपने। ओए होए ये कराची वाले ओहो कितने बड़े दिल के लोग हैं। देखे और एक नेफ्यू मेरा वहाँ पे बैठा है सहार आइए और आज है फैमिली डिनर एंड कुकू पापा में हम एक मजेदार मील एंजॉय करने वाले हैं। आपको अभी दिखा दें बहुत मजा आ रहा है। अभी हम खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाना भी आ रहा है और 20 मिनट से है पूरी अप्रॉक्स। तो हमने कहा यहाँ बैठ के टू टू पी पी एंजॉय करें कराची का टू टू पी पी की तो रौनक है सारी। तो ये पापा जो है ये वो क्या कहते हैं हार श्रृंगार है कराची का, कराची के हार श्रृंगार को एंजॉय नहीं करेंगे तो इस चीज को करेंगे। कह रही है मेरी अम्मा का फरमान है कि हमें बिठा के भूल गए, इतना रश लगा हुआ इनके पास, इतने लोग हैं, पूरी बिल्डिंग कवर कर रहे हैं वो इस वक्त। इनके पास तकरीबन 400
पांच आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट है, आउटडोर है, फिर ये तीन फ्लोर है, फिर दो दुकानें और हैं, अगर इतने बड़े सेटअप को संभालना एक काम है एंड सैटरडे नाइट इनका हाउस फुल चलता है तो उसके हिसाब से हमें वेट तो करवाएंगे ना बेचारे, और क्या करें। Wow, really nice. देखो भाई, ओए होए, जबरदस्त। क्या दे दिया? ये क्या दे दिया भाई? Very nice. अच्छा भाई, मैं भी चाय ढूंढ रही हूँ, चाय भी मिल जाएगी भाई। बंस रोड पे सब कुछ मिल जाता है, तो चाय क्यों नहीं मिलेगी? उस ढाबे पे चला, उस ढाबे पे चाय, इतना वंदन होता है, चाय वाला मिल गया, ये रहा। अब हम वहाँ जाके चाय पीते हैं, क्योंकि घर जाएंगे तो गैस जाग चुकी होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसलिए हम यहाँ से चाय पिए। तो जी, सो मैंने कहा कुल्हड़ की चाय भी इंजॉय करें, लेकिन ये मुझे कुल्हड़ की चाय जो है इतने ऐसे देती है, और कह रही कूलर ठंडा है, ठंडा है मटका, ठंडा है मटका, इनको जो है ठंडा होना शुरू हो गया, क्योंकि रोजाना इसको पकड़ते होंगे, इनको आदत हो गई है, और हम डरपोक से लोग हैं, ठीक है जी। और मेरे लिए गर्म है ये, ठंडा नहीं है। क्या बात, कमाल कमाल की बात है। आप भी आए, एंजॉय करें, जिंदगी जीने के लिए होती है, इसको नेगेटिविटी में वेस्ट मत करो। बस भी करो, चाय वाले पहले चाय बनाते हैं, फिर उसको दबान लगाते हैं, फिर वाइट एंड डॉली फेंक के मारते हैं, कहीं आपको वायरल हो जाएंगे वीडियो। वो वायरल है, वो वायरल है भाई, इनके पास क्यों, कौन आता है आपके पास? कामरान टेसोरी साहब आते हैं इनके पास चाय पीने के लिए, और आज मैं भी आई हूँ पीने के लिए, देखा आपने।